अलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो जनाब, मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपने फेसबुक पे कि मैंने किस तरीके से जो है यूट्यूब का जो हमारी हमारा जो चैनल होता है उसकी जो वीडियो होती है उसका जब हम एड स्क्रीन पे अपनी वीडियो का कुछ भी लगाते हैं या आई कार्ड पर अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो किस तरह से हमें जो है वहाँ से भी क्लिक मिलते हैं, यानी कि वहाँ से भी हमें व्यूज़ मिलते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया, वहाँ पे कमेंट्स भी किए। मैं साइड बाई साइड आपको यहाँ पे दिखाती भी जाऊँगी कि किस तरह से मेरे पास आया है यहाँ पे। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। जिनके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं, पर जिनके पास मोबाइल है वो ये वीडियो लास्ट भी देखें। और इस तरीके से करने से भी आपके जो है बहुत अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। तो चलते अच्छा जी, ये तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली आपने काम करना है अपने ब्राउज़र पे, यानी कि आप आपका मोबाइल है तो आप उस पर भी ब्राउज़र पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो आप उस पर भी ओपन कर सकते हैं। तो जी, जिस वीडियो पे भी आपने जो है एड स्क्रीन लगाना है आप उस वीडियो पे जाइए, ठीक है। ऊपर आपको एक पेंसिल का निशान नज़र आता है जो हमारी डिटेल्स होती है। वैसे तो यही चीज़ आपको जब अपलोड करते हैं उस वक्त भी शो हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर आपको अभी लगाने का तरीका बता देती हूँ, ठीक है। जब आप इसके साइड पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके बिल्कुल जब आप अपने राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ चीज़ें नज़र आएगी, उस पर एंड स्क्रीन नज़र आएगा, आपने इसमें जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्चुअली कहते हैं वीडियो एलिमेंट्स, ठीक है। वीडियो एलिमेंट्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है, आप इस पर जो है क्लिक करके, और भी बहुत सारे इस पर ऑप्शंस होते हैं, वो आप इसका आपका चैनल भी आ सकता है, इस पर आपका बेस्ट व्यूज़ भी आ सकता है, मोस्ट रिसेंट अपलोड भी आ सकता है। प्लस आप खुद चाहे तो कोई अपनी प्लेलिस्ट भी आप लगा सकते हैं, कुछ अपना खुद की भी वीडियोज़ इस पर स्पेसिफिक एक वीडियो वो भी सर्च कर सकते हैं, अपना चैनल लिंक जैसा चाहे आप इस पर रख सकते हैं। ये बेसिकली जब लोग आपकी वीडियो देख लेते हैं और अगर आपको कोई अट्रैक्टिव चीज़ आपकी नज़र आती है तो लोग इस पर क्लिक करते हैं, जो कि मैंने तरीका आप लोगों को बताया है। तो ठीक है जी, ये हो गया तरीका। अब आ जाए आई कार्ड पे, ठीक है ना। तो आई कार्ड का भी मकसद ये होता है कि आप जब किसी कोई वीडियो ओपन करते हो तो ये एक्चुअली चैनल ने खुद आपको सजेस्ट किया होता है कि ये मेरी वीडियो है आई कार्ड पे, यानी कि इन्फो कार्ड पे, आप वहाँ से भी जाके मेरी वीडियो ये देख सकते हो, ठीक है जी। इस पे भी सारे ऑप्शंस होते हैं वही एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी वीडियो एलिमेंट ही है। इस तरीके से आप जो है ना अपनी वीडियो पे वर्कआउट करें, एंड स्क्रीन लेकर आए, आई कार्ड लेकर आए, यही चीज़ आपके आगे जाके जो है ना आपके व्यूज़ अच्छे लेकर आ सकती है। तो गाइस, किस चीज़ का इंतज़ार है, ज़रूर ये काम करें और देखिएगा, शर्त या आपका चैनल जो है और अच्छा ग्रो करे।